floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है और जनाब अली सिविक का मैंने कल आप लोगों से टोटल कॉस्ट के बारे में शेयर की, कन्वर्जन की। और गाड़ी काफ़ी गंदी है, एक तो पहले तो इसको वॉश भी करना है, पॉलिश करना है गाड़ी को। इंटीरियर तो मैंने उसे साफ़ कर दिया था, लेकिन कल जब हमने गाड़ी के टिंट्स किए हैं तो फिर अंदर से कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मैली हो गई है गाड़ी। तो आज ज़रा इसकी वॉश वगैरह करनी है, प्लस फिर इसके बाद जो सिक्योरिटी सिस्टम वाला मामला है तो वो इसका हल करना है इंशाल्लाह। और वो भी देखते हैं किधर से हल हो सकता है, ठीक है। वो उसका जो रिमोट है वो मैच करना है। और इसके अलावा बहुत सारे भाई पूछ रहे थे यार ये आपको एवरेज क्या दे रही है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो तकरीबन मैंने इसका टैंक फुल करवाया था, मैं जब इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेकर जा रहा था पेशावर के, तो इसने मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर जो है ना इसने मेरा फुल टैंक पे किया है। उसमें एसी भी लगा है, ठीक है, काफ़ी जगहों पे। आप समझ लें कि आधी टैंकी के ऊपर एसी मैंने लगाया है, तकरीबन 250 किलोमीटर कुछ करीब करीब के, तो एसी के साथ भी चली है, ठीक है। और ये लॉन्ग वेज पे भी चली है गाड़ी, और फिर उसके बाद लोकल भी काफ़ी मैंने चलाई है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10,000 रुपये का, 9,600 रुपये का इसके अंदर मैंने पेट्रोल डाला था, 1,001 रुपये का इसके अंदर शायद था पहले। आप कह लें कि 10,000 रुपये का ये, क्योंकि गाड़ी फिर जब मैंने दोबारा रीफिल कराई है तो भी उतने ही सुई थी उस पर, रिज़र्व पे थी। तो आप कह लेंगे 9,500 रुपये का या 9,600 या 10,000 रुपये का, तो तकरीबन ऑलमोस्ट गाड़ी चली है 470 समथिंग चली है, ठीक है। तो ये आप देख लें, कैलकुलेट कर लें। एसी के साथ आप कह लेंगे विद एसी कुछ, और लॉन्ग रूट पर गाड़ी चली है, उसके बाद लोकल भी गाड़ी काफ़ी चली है। तो ये से मुझे एवरेज दी है गाड़ी ने। और इसके अलावा इसकी आज हमने शील्ड लगानी है, यहाँ की जो शील्ड है ये ख़राब थी तो ये मैंने नहीं मंगवाई है। उस साइड की बिल्कुल ठीक थी, राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली जो है ये ख़राब है। तो बाकी जो है गाड़ी की जो लुक है वो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई है, टिंट्स से तो काफ़ी बेहतर हो गई। अब ये जो हमने ये चीज़ें हैं ये थोड़ी गंदी हैं, मिली हैं, तो अभी हमारा दिल है कि इसको पेंट कर दिया जाए मैट ब्लैक के अंदर, ये इसी तरह एक टोन में आ जाए। ये जो यहाँ से ये टोन स्टार्ट होता है तो ये यहाँ तक आए, ठीक है। और स्पॉइलर मैंने आपको बताया था ये भी हमने लेना है। इसके अलावा साइलेंसर का जो टिप है, साइलेंसर का टिप हमें बिल्कुल कार्बन फाइबर में ही मिला है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसको टांके लगा के वेल्ड कर दिया है। ये बोल्ट्स भी लगता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, तो मैंने इसको वेल्ड ही कर दिया, पक्का काम हो गया इसका सही। सो बस अब गाड़ी वॉश करते हैं और इसको टिप टॉप करते हैं बेहतरीन। गाड़ी साफ़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है, ख़ुद ही इसको साफ़ करते हैं बेहतरीन सी, टिप टॉप करते हैं और लुक आपको दिखाते हैं। अभी तक मैंने गाड़ी आपको जो इसकी लुक है वो नहीं दिखाई, गाड़ी साफ़ हो जाती है तो कैसी लगती है। तो आज इसको ज़रा बिल्कुल टिप टॉप करते हैं, लड़के काम शाम कर रहे हैं, हम जो है ना इसी साफ़ सफाई करते हैं सारे, आप भी हमारे साथ रहें। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted.
head watching where I step still hanging in the balance now. जी गाड़ी हमारी हो गई थी साफ़ सुथरी, वॉश कर दी थी हमने और अंदर से, तो उस दिन ही मैंने गाड़ी सारी साफ़ सुथरी की थी। गाड़ी साफ़ हो जाए तो गाड़ी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और अब मैं आपको बाहर से लुक भी दिखाता हूँ गाड़ी की, और गाड़ी की आप लुक देखें माशाल्लाह से, गाड़ी बहुत बहुत बेहतरीन हो गई है, साफ़ सुथरी। अब सिर्फ बॉडी किट्स का रह गया, बॉडी किट्स लग गई गाड़ी को तो चार चांद लग जाएंगे। तो ब्लैक कलर का ये है कि ये फिर अब मैंने गाड़ी पॉलिश भी करवा दी थी, और लेकिन फिर भी हल्की पुल्की डस्ट फिर भी पड़ गई है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो ये कोई गाड़ी की फ्रंट लुक आ गई, ठीक है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन हो गई। और बैक लुक भी आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी की, ये इसकी भी फ़िलहाल जो स्पॉइलर पिछला ट्रंक का नहीं लगा, तो ये इसकी हो गई बैक लुक, ठीक है, और गाड़ी हो गई बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा एक और सीन है, ये इसके शीशे टेंट थे पहले से, लेकिन ये मैंने अच्छी क्वालिटी का टेंट करवाया है, ठीक है, और ये जो है ना ये पुराना है, तो ये हम ये वाला और ये वाला ये दोनों ख़त्म करेंगे इसको, इस तरह का ना एक ही तरह का लेके आएंगे। ये 50 भी नहीं है और ये 25 भी नहीं है, कुछ मिड का है। तो अंदर ये है कि नज़र भी आता है, तो इतना बैगिश भी नहीं है। और फ्रंट का शीशा जब हमने ये चेंज करना है तो इसको भी टेंट करेंगे 5 या 10%। इसको एक लाइट लगाई है हमने वो पुलिस वाली, तो ये भी ऑन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी इसमें इसको बटन शटन लगाना है, डायरेक्ट नहीं करना, बटन लगा के ना इसको ऑन करते हैं। तो ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या लुक। अच्छा जी, तो सिनेमैटिक साहब ने गाड़ी की देखी माशाल्लाह से, गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप हो गई है। गाड़ी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कूलेंट डाल रहे हैं, ठीक है, सो पानी मैंने सारा ड्रेन कर दिया है, कुछ दिन इसको मैंने पानी भी चलाया, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं कूलेंट। कूलेंट जो है वो उसके फ़ायदे भी हैं काफ़ी, एक तो गर्मियों में कूलेंट बेहतरीन रहता है, सर्दियों में भी ऑल ओवर जो है ना, आप देखें अगर बहुत किसी ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो आपके पानी जो रेडिएटर का पानी है वो फ्रीज़ होने का ख़तरा होता है। जैसे मैं पिछले टाइम मरी गया था, सुबह जब हम उठे मैंने कूलेंट नहीं डाला था, तो जी रेडिएटर चौक हो गया था, फ्रीज़ हो गया था, और फिर हमें उसके अंदर थोड़ा बहुत गर्म पानी डालना पड़ा और फिर वो जाके ड्रेन हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कूलेंट जो है मैं पूरा फिल कर रहा हूँ, कूलेंट फिल करते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे जो लाइट्स वगैरह के काम हैं वो रहते हैं पेंडिंग है, तो वो देखते हैं कि आज अगर हो पाते हैं तो वो भी आज कर लेते हैं गाड़ी के। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट इंजन पे है ना, ये मैंने ख़ुद इसको साफ़ सफाई करनी है किसी दिन खड़ी करके, क्योंकि काफ़ी ये गंदी है, और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है हमने इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो छोटे मोटे काम इलेक्ट्रिक रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज का ब्लॉग इधर ही तक के लिए था, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।